हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर शानदार होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है बीपीएससी TRE 3.0 के री एग्जाम का कट ऑफ बताया था, प्राइमरी लेवल का, जूनियर लेवल का, ठीक है। तो उस वीडियो पर आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आपको जानकारी नहीं है, आपने फर्जी वीडियो बनाया है, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। तो साथियों, हमने क्या किया कि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, 1 लाख से सब्सक्राइबर से जितने भी ज़्यादा सभी बड़े यूट्यूबर हैं, टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, सभी की वीडियोज कट ऑफ के बारे में हमने देखी, ठीक है, सभी की। और वहां पर जो है हमने एक एवरेज निकाला और एक शानदार कट ऑफ आपके लिए दोबारा लेकर आए हैं। अब आप हमें गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि साथियों यही कट ऑफ सेम लगभग जो है आपके बड़े यूट्यूबर भी बताए हैं, और उनके वीडियो पर आप जो है साथियों बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, सर आप सही कट ऑफ बता रहे हैं, अच्छा है, ऐसा वैसा है, ठीक है। तो एकदम उनका जो है कट ऑफ मैं एकदम सब कुछ कम से कम 40 से 45 कट ऑफ देखा हूँ, ठीक है, इतना मेहनत किया हूँ। 40 से 45 कट ऑफ जितने भी बड़े टीचर मुझको नजर आए यूट्यूब पर, सभी के जानकारी लिया। इसके बाद जो है उनसे मिलता जुलता एक लगभग कट ऑफ जो है आपका यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। ये ही कट ऑफ आपका एकदम रहने वाला साथियों, आसपास ही रहेगा, ठीक है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, हर बार कट ऑफ आगे पीछे ही रहता है, लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, देखते हैं आपके इस वीडियो में हम जूनियर का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम किसका देखेंगे, जूनियर लेवल का कट ऑफ 6 to 8 का, आपके इतने सब्जेक्ट का कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, और इससे ज्यादा आपका ना तो कट ऑफ जाएगा, ना तो किसी टीचर ने जो है इससे अलग कट ऑफ बताया है, ठीक है। सभी आपके जो है ऐसे ही कट ऑफ बताएंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अगर जानकारी की पहले बात करें तो आपके जो पदों की संख्या थी कितना था, 19,645 आपके टोटल पद, आवेदन आपके 2,13,940 पद। अनुपात की बात करें तो 9.25 आ जाता है, क्योंकि जो आपके प्रेजेंट स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया वे थे 1,81,849 के करीब, इतने ही छात्रों ने आपका एग्जाम दिया है, ठीक है। तो साथियों ये रहा आपका मुख्य जानकारी। अब हम साथियों बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो साथियों चलिए देखिए, स्क्रीन पर आपको एक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिख रहा होगा, जो कि आपके गार्गी मैम ने बताया है, जो कि काफ़ी फेमस हैं और टारगेट विद अंकित प्लेटफॉर्म पर पढ़ाती हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस हैं। तो इनका कट ऑफ हमें बेहद अच्छा लगा, जितने भी 40 से 45 कट ऑफ हमने देखे यूट्यूब पर, उसमें सबसे सटीक और सबसे सही इनका लगा, और साथ में इसी के एवरेज में ही सभी लोगों ने कट ऑफ बताया हुआ है बड़े टीचर्स ने। तो साथियों अगर मैथ और साइंस के कट ऑफ की बात करें तो ये आपको बता दूँ कि मैं आपको जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, बाकी अन्य कैटेगरी वाले आपका 3-3 नंबर अपना कम करके एवरेज में अपना एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए मैथ और साइंस की बात करें तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ साथियों जाएगा, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा अपने हिसाब से, तो यहाँ पर आपका मान के चलिए कि 80 से 85 नंबर अगर आपका बन रहा है, ठीक है, मेल का, पुरुष वर्ग का, जो पुरुष वर्ग है, ठीक है, मैथ और साइंस में, तो आप जो है सेफ में है, ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। वहीं पर अगर महिला की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका 68 से 73 नंबर अगर आपका बन रहा है, तो आप एकदम महिला वर्ग सेफ में है मैथ एंड साइंस में। SST की बात करें, काफ़ी चर्चा में ये आपका है, तो SST में आपका जो है मान के चलिए कि जो है कितना कट ऑफ जाएगा, 84 से 89 नंबर, 5 नंबर का डिफरेंस दोनों में गैप में रहेगा, इसी के मध्य में आपका कट ऑफ लगभग रहने वाला है, ठीक है। और अगर महिला की बात करें तो 79 से 84, ठीक है, 79 से 84 रहेगा ये कट ऑफ आपका, ठीक है, SST का। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी देखिए गार्गी मैम ने अलग बताया है और सभी टीचर्स ने अलग अलग बताया है, क्योंकि हिंदी इस बार जो है हमने छात्रों से बात किया तो हिंदी जो है लगभग पूरा सरल आ गया था, जो कि PGT लेवल के बच्चे हैं वो एकदम साथियों गर्दा उड़ा दिए हैं हिंदी में, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट्स जो है हिंदी व्याकरण के ही आ गए थे, तो हिंदी व्याकरण काफ़ी सरल हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हिंदी का जो कट ऑफ मान के चलिए कि आपका जो है ये भी आपका मान के चलिए कि साथियों 80 से 84 नंबर के बीच रहेगा, या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक अनुमान है। और महिला की बात करें तो यहाँ पर जो है 79 से 82 तक ये महिला का रहेगा हिंदी का। इंग्लिश की बात करें तो साथियों आपका ये थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, ये आपका मान के चलिए कि आपका 72 से 78 नंबर, और यहाँ पर आपका फीमेल की बात करें तो यहाँ पर आपका 70 से 75 नंबर महिला का हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जूनियर का है, ठीक है। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में 70+ अगर आपका है तो आप लगभग सेफ जोन में हैं, और महिला की बात करें तो 68+ मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। उर्दू की बात करते हैं तो साथियों आपका जो है 65+ मान के चलिए, और फीमेल की बात करते हैं तो 64+, क्योंकि उर्दू का ज़्यादा डाटा नहीं मिल पाया, ठीक है, इसलिए एक उम्मीदन कट ऑफ हमने बता दिया प्रीवियस ईयर को देखते हुए, ठीक है।
तो ये साथियों कट ऑफ आपका रहा, ठीक है, मैथ साइंस का 80 से 85, फीमेल का जो है 68 से 73 नंबर, SST की बात करते हैं तो 84 से 89 नंबर मेल का और 79 से 84 नंबर आपका जो है फीमेल का। तो ये साथियों कट ऑफ रहा। अब आप गलत नहीं ठहरा सकते, आप कोई भी कट ऑफ देख लीजिए, अनुमान आप लगाएंगे तो इतना ही बैठ रहा है सबका, ठीक है। तो चलिए साथियों अगली वीडियो में हम प्राइमरी लेवल के कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, लेकिन कट ऑफ के लिए नहीं, क्लासेस के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ही क्लासेस के लिए जुड़े, सीटेट के लिए, यूपीटेट, सुपरटेट के लिए। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।